हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच चीज़ें जो आपको म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट फंड या कोई भी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो पांच चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी प्रकार के फंड्स में इक्वली लागू होंगी। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ है जो आपको म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले देखनी चाहिए वो आपको ये देखना चाहिए कि जो प्लान है आपका वो डायरेक्ट प्लान है कि रेगुलर प्लान है। तो दोस्तों, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को समझने के लिए मैं आपको पेटीएम मनी के वेबसाइट पर लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो फंड है ये HDFC इक्विटी डायरेक्ट प्लान है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इक्विटी डायरेक्ट प्लान क्यों लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, जो भी प्लान्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला डायरेक्ट प्लान होता है और दूसरा रेगुलर प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान में एक इन्वेस्टर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से जब फंड्स खरीदता है, जब म्यूचुअल फंड की NAVs खरीदता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट प्लान। इसमें जो निवेशक रहता है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की AMC से NAVs खरीद लेता है, यानी कि उसको पैसे देता है और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो डायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर है या फंड होल्डर है उसके अकाउंट में वो NAVs डाल देती है। और एक जो होता है रेगुलर प्लान, उसमें दोस्तों ऐसा रहता है कि रेगुलर प्लान में एक ब्रोकर बीच में आ जाता है। ब्रोकर ICICI बैंक या कोई सा भी बैंक हो या कोई भी इंटरमीडियरी हो। तो रेगुलर प्लान्स में वो अपना कमीशन लेते हैं, और अगर हम ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो हमें जो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें आपके इंटरमीडियरी यानी कि जो ब्रोकर है उसका मार्जिन रहता है। तो दोस्तों, पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जो हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान हो। अगर आप गिल्ट फंड खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे ही फंड्स में हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि जो फंड है वो डायरेक्ट प्लान हो, ताकि हमारे जो कमीशन के 1-2% है जो हम ब्रोकर को दे रहे हैं वो हम बचा सकें। तो दोस्तों, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे आजकल आ गए हैं जो कि हमें डायरेक्ट प्लान की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पेटीएम मनी उनमें से एक है। अगर आप चाहें तो ग्रो, कुवेरा, ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को चूज़ करके अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी डायरेक्ट प्लान। अब जो दूसरी चीज़ है वो है एक्सपेंस रेशो। तो चलिए, मैं आपको फिर से पेटीएम मनी की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम चलते हैं स्कीम इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है पेटीएम मनी की। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें सारे प्लान्स जो हैं वो डायरेक्ट प्लान्स है, इसी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्कीम इन्फॉर्मेशन लगा ली है HDFC इक्विटी डायरेक्ट प्लान की। दोस्तों, इसका जो स्कीम एसेट साइज़ है वो 17,000 करोड़ के आसपास है, और जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक्सपेंस रेशो। अब दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिखा है 1.25%। ये होता क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट किए इस महीने, ठीक है, और आपने वो 100 रुपये 1 साल तक इस फंड में लगा के रखे। तो दोस्तों, साल के अंत में ये जो स्कीम है उस 100 रुपये में से 1 रुपये 25 पैसे अपनी फीस काट लेगी। मतलब ये जो 1.25% है ये इसकी फ़ीस है। अगर आप 1 साल इसमें 100 रुपये या जितने भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका 1.25% एज अ फी काट लेगी। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देख लें कि उसका एक्सपेंस रेशो कम हो। एक्सपेंस रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको लॉस है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा फ़ी पे करेंगे म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जिसको हम AMC कहते हैं, तो आपकी जेब में जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो ये थी दूसरी चीज़, एक्सपेंस रेशो। अब हम दोस्तों तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया है एग्ज़िट लोड।
एग्ज़िट लूट क्या होता है ये हम समझते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा एग्ज़िट लूप। दोस्तों ये जो एग्ज़िट लूट होता है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने आज 100 रुपये की कोई भी म्यूचुअल फंड ख़रीदा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि कल मैं उसको बेच दूं, तो अगर आप 100 रुपये की म्यूचुअल फंड आज ख़रीदते हैं या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको बेचते हैं, तो उसमें आपका 100 रुपये में से 1 रुपये म्यूचुअल फंड वाले काट लेंगे अगर आप वो जो NAVs हैं वो आप बेच देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इनकी NAVs खरीद के बेच देते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करें जिसमें कोई एग्ज़िट लोड ना हो। अगर कोई एग्ज़िट लोड नहीं होगा तो अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छे रिटर्न्स मुझे नहीं देगा और आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो उसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करें जिसमें कोई एग्ज़िट लोड ना हो। तो अब हम चौथी चीज़ देखते हैं। चौथी चीज़ है फ़ंड साइज़ एंड पास्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ये जो पेटीएम मनी की वेबसाइट है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने दिखा दिया कि स्कीम का एसेट साइज़ क्या है। यहाँ पे एसेट साइज़ है 17,400 करोड़ के आसपास। दोस्तों ये जो एसेट साइज़ है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये जो HDFC का ये जो फ़ंड है इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा के रखा है। तो दोस्तों 5,000 करोड़ से ऊपर जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो भी स्कीम हो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये जो स्कीम है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो बड़ी स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा ये रहता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो हमारा लॉस है वो ये रहता है कि जो म्यूचुअल फंड चलाने वाला जो मैनेजर है उसके पास ज़्यादा पैसे आने की वजह से वो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो ये दोस्तों एक लॉस है। तो जब आप म्यूचुअल फंड देखें तो उसमें कोशिश करें कि जो म्यूचुअल फंड का साइज़ है वो 5,000 करोड़ से कम ही हो और 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर म्यूचुअल फंड का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तो 17,000 करोड़ है लेकिन 500 करोड़ हो या 400 करोड़ हो, तो उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनको भी अपनी फ़ीस निकालनी है। अगर कम अमाउंट का आपका एसेट साइज़ होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे आपसे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसका जो साइज़ है वो 2,000 से 5,000 करोड़ के बीच में रहे। तो ये थी फ़ंड साइज़ और पास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो है ओपन एंडेड स्कीम। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ओपन एंडेड स्कीम होता क्या है। इसके लिए हम वापस से पेटीएम मनी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं फ़ंड टाइप, यहाँ पे लिखा है ओपन एंडेड। तो दोस्तों ओपन एंडेड फ़ंड टाइप में क्या होता है, आपके जो म्यूचुअल फंड की जो भी NAV है, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम NAV कहते हैं, तो वो चीज़ आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ख़रीदते हो। यानी कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आप 100 रुपये डायरेक्टली उस फंड में डिपॉजिट करोगे, उस AMC को दोगे, तो 100 रुपये के बदले वो आपको NAVs दे देगी, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन एंड। अगर आप इसमें ओपन एंड में मान लीजिए कल के दिन अपनी NAV बेचना चाहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, तो अगर आप अपनी जो भी NAVs हैं आप बेचना चाहते हैं तो आप बस इनके पास एक रिक्वेस्ट प्लेस करिए, ये आपके शेयर्स बेच देंगे और जो भी आपका NAV का अमाउंट होगा वो आपको वापस कर देंगे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है वो AMC यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इन्वेस्टर, उन दोनों के बीच रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए फंड टाइप में लिखा हो क्लोज एंडेड, इसका मतलब ये है कि जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो भी उसकी जो भी NAV है उसको आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को बेच नहीं सकते, जो भी AMC है उसको आप डायरेक्टली बेच नहीं सकते,
उसको आपको मार्केट में ट्रेड करना होगा, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उस पर ये जो म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है वो लिस्ट रहती हैं। तो आपको अगर अपनी स्कीम जो भी है, आपकी जो भी एनएवीज हैं उसको बेचना है, तो आपको वहाँ पे मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना रहेगा। तो उसमें आपका लॉस ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपकी आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और वो 3 साल बाद 130 रुपये का बन गया, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हैं उस स्कीम को, तो मार्केट में आपको बायर 125 रुपये, 120 रुपये पे मिल रहे हैं। तो जब आप बेचने जाते हैं इस टाइप की स्कीम्स को, तो आपको ज़्यादा अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि जो भी फंड टाइप है वो हमेशा ओपन एंडेड हो, ना कि क्लोज एंडेड। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 पॉइंट म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले जो हमें देखने चाहिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।